हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स। क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स में आज हम करेंगे पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टोटल 3 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 6, 7 एंड 8। और जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यूनिट नंबर 7 ही सबसे ज़्यादा मार्क गेनिंग यूनिट है। यूनिट नंबर 7 जो आपकी टोटल मार्क्स की आती है वो है 22 मार्क्स। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स की है, और जो 22 मार्क्स है यानी कि मोर देन 50 परसेंटेज किसमें है, आपके यूनिट नंबर 7 में। तो हुई ना बात स्मार्ट वर्क वाली। अगर आप भी कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो वो यूनिट कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हो। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 7, और यूनिट नंबर 7 में जो भी चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फटाफट से पॉवर्टी के नोट्स निकालते हैं और पॉवर्टी चैप्टर को भी आसान बनाते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने नोट्स सेल्फ क्रिएट किए हैं ना, तो उन्हें ज़रूर सामने लेकर बैठो, और नहीं किए तो बिल्कुल भी लोड ना लेना, हम अपने कलरफुल नोट्स आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है ना। और हाँ, इन नोट्स में वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं जो आपको याद रखने हैं और एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। तो चलिए पॉवर्टी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी को हिंदी में बोलते हैं गरीबी। तो चलिए फर्स्ट हम पॉवर्टी की डेफिनेशन देखते हैं। पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। यानी पॉवर्टी क्या होती है, इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब पर्सन सक्षम ही नहीं है। पर्सन कैसा है, इनेबल। पर्सन इनेबल है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, वहाँ पर हम बोलते हैं पॉवर्टी, यानी कि वो बंदा कैसा है, पुअर। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है लाइफ की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स, सबसे पहला फूड, खाना तो होना ही चाहिए, क्लॉथिंग, कपड़ा, हाउसिंग यानी शेल्टर, मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि आपने मेनली सुना है कि ये तीन चीज़ें तो ऐसी होती है जो ज़रूरी ही ज़रूरी है, लेकिन एज अ मॉडर्न लाइफ आज के ज़माने में, इन टुडेज वर्ल्ड, दो और होते हैं जो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन सी हैं दो, एजुकेशन एंड दी अदर वन हेल्थ फैसिलिटीज़। यानी अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी कितनी है, 5, टोटल कितनी हो गई, 5। सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान यानी फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, और जो अब तो टुडेज़ वर्ल्ड में ऐड हुई है वो क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो पॉवर्टी क्या है, एक इनएबिलिटी होती है पर्सन की, जहाँ पर पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइफ की फुलफ़िल नहीं कर पाता, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइफ की फुलफ़िल नहीं कर पाता। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, जल्दी जल्दी बताओ, 3 तो बहुत ही सिंपल, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, और 2 जो नई ऐड हुई है, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। तो फटाफट 1 सेकंड के लिए देखो और इसे याद करने की कोशिश करो पॉवर्टी की डेफिनेशन, मेरे साथ साथ बोलना। पॉवर्टी इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन, पर्सन की क्या है, इनएबिलिटी। पॉवर्टी इज़ अ इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। अब बताना है बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड लास्ट बताओ, हेल्थ फैसिलिटीज। 1 सेकंड के लिए इसे देख लो और आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी समझ में आ गई, वेरी गुड, जहाँ पर पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाता। अब बात आती है हाउ आर दी पुअर आइडेंटिफाइड, क्वेश्चन बन सकता है पुअर को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो पुअर को आइडेंटिफाई करने के 2 वेरिएंट्स होते हैं, 2 प्रकार से हम पुअर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो वेरिएंट्स एंड प्रॉपर्टी, तो 2 वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, पहला है आपका रिलेटिव पॉवर्टी एंड दी अदर वन
एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड अदर वन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी हम जनरली देखते हैं कि अगर आप अपने जहाँ पर भी हो इस समय, ठीक है, तो आप अपने आसपास देखना, ज़रूर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जिस तरीके के कपड़े आपने पहने हैं उस तरीके के कपड़े सामने वाले ने नहीं पहने हैं, दिखेगा आपको, है ना। तो आप थोड़ी सी दूर देखिए, थोड़ी सी दूर अपनी जहाँ भी रहते हैं सोसाइटी में, कहीं भी देखिए, जिस तरीके का फ़ोन आप पर होगा उस तरीके का फ़ोन उस पर नहीं होगा। तो आप अगर देखें कि मेरा फ़ोन तो अच्छा है, उसका फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि वो रिलेटिवली मुझसे पुअर है, वो मुझसे पुअर है, यही तो बोलोगे। इसी तरीके से आप अपने आप को भी किसी और के साथ देख सकते हो कि उसका फ़ोन तो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके फ़ोन में तो मुझसे भी ज़्यादा फीचर्स हैं, उसके पास तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे क्लॉथ्स हैं, उससे, इसी तरीके से आप देखते हो तो आपको आप खुद पुअर लगते हो। यानी कि रिलेटिवली बस एक दूसरे को देखकर क्या किया जा रहा है, पुअर और नॉन पुअर को क्लासिफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी वही होती है जिसमें हम रिलेटिवली कंपेरेटिवली देखते हैं कि कौन पुअर है और कौन नहीं। इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्रीज। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि आप अपने पास वाले पर्सन को देखिए और उसको जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कुछ चीज़ें मेरे पास है लेकिन इसके पास नहीं है, यानी कि ये पुअर है मैं नॉन पुअर। तो आपने उसमें देखा डिफरेंट क्लासेस, आपने खुद को देखा और अपने आसपास देखा। लेकिन अगर थोड़ा और दूर जाए, ठीक है, आप अपने पूरा एरिया जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस पूरी सोसाइटी को कंसीडर करो और कोई और सोसाइटी देखो, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी सोसाइटी अच्छी है, मेरी सोसाइटी में तो सब लोग अच्छे से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा फ़ोन है। लेकिन जो पास वाली जो दूसरी सोसाइटी है, थोड़ा दूर जाके अगर दूसरी सोसाइटी है, उनके पास इतनी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि वो कैसी है पुअर और हम कैसी है नॉन पुअर। यानी कि अब आपने क्या किया, आपने रीजन वाइज देख लिया, रीजन वाइज मतलब एरिया वाइज, आपने एरिया वाइज देख लिया कि हम नॉन पुअर है और जो दूसरा एरिया है वो पुअर है, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी में पहले हमने कैसे देखा था, डिफरेंट क्लासेस से, आसपास के लोगों से, फिर आपने एरिया वाइज देखा कि हमारी सोसाइटी तो अच्छी है, उनकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, ऐसे करके देखा कि हमारा जो स्टेट है वो तो अच्छा है, दूसरा स्टेट तो अच्छा नहीं है। और अब बात आती है कंट्रीज की, आप पूरी की पूरी कंट्रीज़ को देख रहे हो, पूरी की पूरी कंट्री को देख रहे हो कि हमारी इंडिया की जो कंट्री है वो पुअर है एज़ कम्पेयर टू US कंट्री। तो आपने बाहर की कंट्री को देखा कि वो तो अच्छी है लेकिन हमारी कंट्री में लोग उतने अच्छे से नहीं रहते, उतने अच्छे से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो रिलेटिव पॉवर्टी, इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स, कंट्रीज। क्लासेस जब मेनली हम आसपास देखते हैं, रीजन्स एरिया वाइज देखते हैं, और कंट्री जब पूरी की पूरी इकोनॉमी को देखते हैं, ठीक है, पूरी इकोनॉमी जब हम कंसीडर करते हैं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी और दूसरे कंट्री की इकोनॉमी, तब हम बोलते हैं कि हम रिलेटिवली क्या डिसाइड करते हैं, कंट्रीज़ को, समझा। आगे बढ़े, अब यहाँ पे हम वही कह रहे हैं जो मैंने अभी आपसे कहा, हम क्या देखेंगे, द कंट्री हुज लेवल ऑफ लिविंग इज़ लो। जैसे हमारी कंट्री US की कंट्री के कंपैरिजन में हमारी कंट्री की जो लिविंग है वो कैसी है, लो, तो हमारी कंट्री को क्या ट्रीट किया जाएगा, इज ट्रीटेड एज पुअर और रिलेटिवली पुअर इन कंपैरिजन टू द कंट्री हैविंग हाई लेवल ऑफ लिविंग। तो हमने क्या किया, पूरी कंट्री को, पूरी इकोनॉमी को कंसीडर करते हुए हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी इकोनॉमी की लेवल ऑफ लिविंग लो है एज कम्पेयर टू जो दूसरी कंट्री है उनकी कैसी है, हाई लेवल ऑफ लिविंग। तो हमारी जिसकी लो लेवल ऑफ लिविंग है वो कहलाए जाएंगे पुअर और जिनकी हाई लेवल ऑफ लिविंग है वो कहलाए जाएंगे नॉन पुअर। तो इसी तरीके से आप सबके लिए लिख सकते हो, क्लासेस में भी, रीजन्स में भी, यानी कि ये एरिया हो जाएगा, इनकी लिविंग हो जाएगी कैसी, लो, और इनकी लेवल ऑफ लिविंग कैसी हो जाएगी, हाई। तो जिस रीजन की क्या होगी, लेवल ऑफ लिविंग लो होगी वो पुअर, जिस रीजन की लेवल ऑफ लिविंग हाई होगी वो कहलाएगी नॉन पुअर। इसी तरीके से क्लासेस ऑफ पीपल, जो क्लासेस के हाई लेवल होगी वो नॉन पुअर
और जिसकी लो लेवल होगी वो कैसे होगा? पुअर। सिंपल। ओके, अब आते हैं हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी पर। एब्सोल्यूट पॉवर ये सीधे सीधे बताता है, ये कोई कंपैरेटिवली नहीं बताता, रिलेटिवली नहीं बताता, ये सीधे सीधे बताता है ये पुअर है ये नहीं है। एब्सोल्यूट यानी कि एब्सोल्यूटली आपको बताएगा ये पुअर है ये पुअर नहीं है। तो इंडिया में देखते हैं कौन सा कंसेप्ट चलता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए इंडिया में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है बोलो? पॉवर्टी लाइन का। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए इंडिया में कंसेप्ट यूज होता है पॉवर्टी लाइन का। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन होगी बेसिकली इस तरीके से, और ये लाइन पे कट ऑफ होगा। अब इसके ऊपर वाले क्या कहलाए जाएंगे? नॉन पुअर। और ये वाले पर्सन क्या कहलाएंगे? पुअर। जैसे इस लाइन को अपन बोलेंगे ए पी एल, अबव पॉवर्टी लाइन वाले, और इसको अपन बोलेंगे बी पी एल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। तो जो बी पी एल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले बंदे, उनको हम कहेंगे पुअर, और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होंगे अबव पॉवर्टी लाइन, उन्हें अपन कहेंगे बोलो नॉन पुअर। बहुत सही समझे। और ये जो कट ऑफ होगा, ये जो कट ऑफ होगा यानी कि ये जो लाइन होगी वो किसके टर्म में होगी? ये इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ये किसके टर्म्स में होगी? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि पर पर्सन कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है कंजप्शन पे, पर पर्सन कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है कंजप्शन पे। देखिए अब इसे, तो ये समझ गए एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? पॉवर्टी लाइन का। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक कट ऑफ पॉइंट होता है जिसके नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन पुअर, और अबव पॉवर्टी लाइन वाले नॉन पुअर। अब ये जो मैं आपको बता रही थी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, उसको अच्छे से समझते हैं। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि एम पी सी का बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है। देखो, जो पर्सन हु स्पेंड ऑन कंजप्शन पर मंथ, जो पर्सन किस पे स्पेंड कर रहे हैं? कंजप्शन पर, और वो कैसे कर रहे हैं? पर मंथ। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर अमाउंट दे रखा है वो कैसा दे रखा है? पर मंथ। तो पर मंथ इतना तो उन्हें करना ही करना है, किस पर? कंजप्शन पर। अगर वो इतना कर रहे हैं कंजप्शन पर तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं यानी कि वो कौन है? पुअर। तो वो कौन कहलाएंगे? पुअर, क्योंकि ये जो कट ऑफ लाइन है वो किसके टर्म्स में है? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। और अगर वो इतना एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पा रहे, इसका मतलब वो नीचे ही है इसके, तो वो नीचे कौन कहलाएगी? पुअर। तो कितना है? देखो, पर्सन हु स्पेंड ऑन कंजप्शन पर मंथ, ये कंजप्शन कितना है? रूरल एरियाज के लिए अलग है और अर्बन एरियाज के लिए अलग है। रूरल एरियाज के लिए कितना है? रुपीज 816 यानी कि 816, और अर्बन एरियाज के लिए कितना है? रुपीज 1000। तो अगर उन्होंने ये नहीं कर पाए अचीव, इतना वो कंजप्शन नहीं करते हैं पर पर्सन पर मंथ, तो वो क्या कहलाएंगे बोलो? बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो वो क्या लेंगे? पुअर। और दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी के बेस पे देखा जा रहा है, यानी कि इतना कैलोरी आपको इनटेक करना ही करना है। अगर आप इतना कैलोरी इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग है क्या? आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स आप कौन हो गए? बी पी एल, पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि आप कहलाओगे पुअर। तो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, रूरल्स के लिए कितना है और अर्बन एरियाज के लिए कितना है। रूरल एरियाज के लिए ये है 2435 एंड अर्बन एरियाज के लिए है 2045। ठीक है, ध्यान से देखना, जब हम कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर देख रहे थे तो एक्सपेंडिचर खर्चा कहाँ जा रहा होता था? अर्बन एरियाज में, लेकिन रूरल एरियाज में कम हो रहा था। लेकिन
जब हम कैलोरी इंटेक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कैलोरी इंटेक की, तो वो रूरल एरियाज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो वो रूरल एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा है, उसका भी आगे रीजन लिखा हुआ है। देखो, इट इज़ हायर इन द केस ऑफ रूरल पॉपुलेशन। कहाँ पर है, रूरल एरियाज में कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, क्यों? बिकॉज हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन इज़ फाउंड टू बी हायर इन रूरल एरियाज। ये बोल रहे हैं कि जो हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन, हार्ड वर्किंग इनका मतलब है हार्ड वर्किंग से कि जो लेबर वर्क है, जो फिजिकल वर्क है, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, किसमें, रूरल एरियाज में। क्योंकि रूरल एरियाज में मेनली आपने देखा होगा वो वहाँ पे मेनली जो काम होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे सारा का सारा हार्ड वर्क यानी कि फिजिकल वर्क, लेबर वर्क वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए उनको कैलोरी इंटेक ज़्यादा लेना हो एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो हम कंजप्शन कर रहे थे वो पर मंथ कर रहे थे, ठीक है, जो 816,000 जो अमाउंट दे रखा था वो हमें पूरे मंथ का दे रखा था, लेकिन यहाँ पर जो कैलोरी दे रखी है वो कैसे दे रखी है, पर डे पर, ठीक है। तो नोट्स में भी आप इस तरीके से ऐसे सर्कल करेंगे कि पर मंथ और पर डे, जब MPCE की बात होगी यानी कि मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो कैसी होगी, पर मंथ की, लेकिन कैलोरी रिक्वायरमेंट, एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात होगी तो वो कैसे होगी, पर डे की, ठीक है। अब यहाँ पर दो छोटी छोटी और हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने देख लिया, दो चीज़ों से देख लिया, MPCE और कैलोरी इंटेक, उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया इतनी अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, पुअर, क्योंकि वो कहाँ पर होंगे, यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन पर, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन का परसेंटेज, पॉपुलेशन मतलब जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन होती है, उसमें से जो पॉपुलेशन यहाँ है, यहाँ मतलब लाइन से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन में, उस परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, उस परसेंटेज को हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। देखो यहाँ पर आओ, हेड काउंट रेशियो, और इसका दूसरा नाम होता है पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी इंसिडेंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। जो पॉपुलेशन यहाँ होती है, ठीक है, तो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज आपका बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, यहाँ पर जो भी, देखो यहाँ पर जो भी बंदे हैं ना, इस जगह पर लाइन के नीचे जो भी बंदे हैं, इसका टोटल पॉपुलेशन से परसेंटेज निकालो तो हमें पता चल जाएगा ये पॉपुलेशन का परसेंटेज जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उसी को ही हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, और हेड काउंट रेशियो का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, क्रोनिक पुअर। अब अभी हमने ये सीखा, जो इस लाइन के नीचे जो परसेंटेज होता है पॉपुलेशन का, उसको क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो, और यहाँ पर जो बंदे होते हैं, यहाँ जो पॉपुलेशन होती है वो कभी ऊपर ही नहीं जाती, मतलब हमेशा यहीं रहते हैं वो लोग, ठीक है, हमेशा वो पॉवर्टी में ही रहते हैं, हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो उनको क्या बोलेंगे, जो हमेशा यहाँ पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोनिक पुअर। क्या बोलते हैं, क्रोनिक पुअर। The people who never move above the poverty line are called chronic poor. जो people poverty line के कभी ऊपर नहीं जा पाते उनको हम बोलते हैं chronic poor. तो पहले हमने poverty line का cut off देख लिया, ये रहा आपको cut off, पूरा दिख दिया। उसके बाद जो हमेशा इस cut off के नीचे रहते हैं यानी कि BPL वाली population, उसको बोलते हैं, उस percentage of population को बोलते हैं हम head count ratio, जिसका alternative name बताओ अभी याद किया था, poverty incidence ratio। और जो हमेशा यहीं पर रहते हैं यानी कि हमेशा वो head count ratio में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं chronic poor, उनको हम बोलते हैं chronic poor। तो छोटी छोटी definition भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, जो आपको काफ़ी मार्क्स दिलाएगी, क्योंकि बहुत छोटी सी समझने के लिए कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, शुड दी पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। तो जो हमारा पॉवर्टी लाइन कट ऑफ है यानी कि ये जो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ है, जिसके बेसिस पर हम APL और BPL को कैटेगराइज करते हैं, ये कट ऑफ किसके टर्म्स में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ इनकम
और इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, तो इनकम के टर्म्स में होना चाहिए या कंजप्शन के टर्म पर। तो ये कंसेप्ट सीखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो एक बार क्या होता है, बेसिकली ये क्राइम पेट्रोल की स्टोरी है। वहाँ पर मैंने देखा था कि एक एजेड लेडी थी, जो हमारे ग्रैनी की एज की होगी। वो जो एजेड लेडी थी ना, तो वो क्या काम करते थे, वो सिर्फ आसपास का कूड़ा उठाने का काम करते थे। जैसे होता है ना, उनके घर में बहुत ही छोटा सा घर था, और उनके घर में बड़े बड़े बैग्स होते थे, बहुत ही गंदे से बैग, जिसमें वो कूड़ा उठा उठा के वहाँ पर अपने घर पर भरते थे, ठीक है। लेकिन जब उनका मर्डर हुआ, वैसे आप लोग अब तक समझ गए होंगे वो कैसे होंगे, पुअर होंगे। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से गंदे तरीके से रहते थे, और इतने गंदा सा घर था उनका, गंदे गंदे बैग में वो कूड़ा भरने का काम करते थे, ठीक है। तो समझ गए ना कि वो पुअर थे। लेकिन जब उनका मर्डर होता है, तब इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उनके उसी तरीके के, जिस तरीके के उनके बैग्स थे कूड़ा भरने के, गंदे से बैग्स थे, वैसे ही गंदे से बैग्स उनके यहाँ बहुत सारे थे। और उसमें से कुछ बैग्स ऐसे थे जिसमें बहुत सारा पैसा बड़ा था, बहुत सारा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते किसी कूड़ा उठाने वाले बंदे के पास इतना सारा पैसा हो सकता है। तो वो जो एजेड लेडी थी, तो आप मुझे बताओ क्या वो पुअर है या नहीं, बताओ मुझे पुअर है या नहीं। ऑब्वियसली वो पुअर है। क्यों कहा आपने पुअर? आपने कभी भी उनकी इनकम नहीं देखी। उनकी इनकम बहुत थी, उस बैग में बहुत पैसा था, यानी उनकी इनकम बहुत थी, तो वो नॉन पुअर कहलानी चाहिए ना। बट वो अभी भी पुअर कहलाई जाएंगी। क्यों कहलाई जा रही है पुअर? वो इसलिए पुअर कहलाई जा रही है क्योंकि उन्होंने कंजप्शन पर खर्चा नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कभी भी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कभी अपने घर पर ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने आपको बताया, उनका घर गंदा सा था, ठीक है, गंदा सा खाना खाते थे, और उन्होंने अपनी क्लॉथिंग पर कभी खर्चा नहीं किया, गंदे से कपड़े पहनते थे, गंदी तरीके से रहना, ठीक है, हेल्थ पे वो नहीं किया। तो यानी उन्होंने कभी भी अपनी ये बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया। तो बताओ वो क्या कहलाए जाएंगे? पुअर। क्यों कहलाए जा रहे हैं पुअर? क्योंकि हमने जो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ डिसाइड किया, वो किस पे किया? इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, ना कि इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो पॉवर्टी लाइन हमेशा किस पर करना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, ठीक है। कहानी पसंद आई? वेरी गुड। अगर आपने भी एपिसोड दे रखा हो तो मुझे बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। तो कंजप्शन शुड डेफिनेटली बी अ प्रेफर्ड पैरामीटर। तो ये लोग भी क्या बोल रहे हैं, देखो वही कंसेप्ट अपना जो स्टोरी वाला, हम लोग भी उन एजेड लेडी को क्या बोल रहे हैं, पुअर ही तो बोल रहे हैं। उनके पास पैसा तो बहुत था, इनकम तो बहुत थी, लेकिन फिर भी हम उनको पुअर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी पैरामीटर क्या है, किसी को पुअर और नॉन पुअर क्लासिफाई करने का, हमारा भी पैरामीटर है क्या? कंजप्शन, ना कि इनकम। तो कंजप्शन शुड डेफिनेटली बी अ प्रिफर्ड पैरामीटर देन इनकम। दिस इज बिकॉज, क्यों हम हमेशा कंजप्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रदर देन इनकम? तो इसके दो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे ये पॉइंट्स आप लिख के आओगे तो बहुत ही, मतलब जान आ जाएगी आपके जो पेपर होगा और आपके मार्क्स में। बिकॉज कंजप्शन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स। उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो गुड्स यूज ही नहीं कर रहे। गुड्स यूज कर रहे हैं तो कैसे गुड्स यूज कर रहे हैं, ये कौन बताएगा? तो ये बताता है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन हमें बताता है, कंजप्शन रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या आप यूज़ कर भी रहे हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज या नहीं? जैसे कि वो लेडी थी, वो कोई गुड्स यूज ही नहीं कर रही थी, कोई अच्छे कपड़े यूज ही नहीं कर रही थी। एज वेल एज टाइप्स ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज। तो कंजप्शन हमें दो चीज़ें बताता है, एक तो ये बताता है कि आप गुड्स और सर्विस यूज़ कर रहे हो भी या नहीं, ठीक है, एक्चुअली में यूज़ कर रहे हो, और यूज़ कर रहे हो तो कौन से टाइप के कर रहे हो, ये भी बताता है। तो हुआ ना कंजप्शन हमारा प्रिफर्ड पैरामीटर, बिकॉज वो दोनों चीज़ें बता रहा है कि एक्चुअली में बंदा यूज़ कर भी रहा है या नहीं, और यूज़ कर रहा है तो कौन से टाइप के गुड्स यूज़ कर रहा है। अच्छा, हम इनकम क्यों नहीं प्रेफर कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, उसका भी रीज़न है, पहले पॉइंट में दे रखा है। बिकॉज इनकम ओनली शो द कैपेसिटी टू परचेज। इनकम सिर्फ हमें क्या बताता है कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितना परचेज कर सकता है, सिर्फ इतना बताता है। वो कितना एक्चुअली में परचेज कर रहा है, वो कौन बताता है? कंजप्शन। तो वही अपनी वही स्टोरी याद रखना जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। उस लेडी ने क्या था, उसके पास इनकम थी,
यानी कि उसकी इनकम क्या शो कर रही थी, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी कैपेसिटी टू परचेज, वो परचेज बहुत कर सकती थी, उसके पास बहुत सारी कैपेसिटी थी परचेज करने की, ठीक है। लेकिन हमने इनकम को नहीं देखा, हमने उसके किसको देखा, कंजप्शन को। कैपेसिटी तो बहुत थी परचेज, लेकिन वो कौन से गुड्स परचेज कर रही है ये किससे पता चलेगा, कंजप्शन के बेसिस पर। तो कंजप्शन के हमने बेसिस पर उस लेडी को क्या बताया है, पुअर, बिकॉज कंजप्शन से ही पता चलता है वो गुड्स यूज़ कर रही है या नहीं, और कर रही है तो कौन से टाइप के गुड्स यूज़ कर रही है, क्योंकि इनकम तो सिर्फ क्या बताएगा, इनकम सिर्फ बताएगा कैपेसिटी टू परचेज। नेक्स्ट, डाटा इज नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सिंपल सी बात है, आज के ज़माने में कोई अपनी इनकम नहीं बताता, है ना, लेकिन उसके खर्चे से हमें पता चल जाता है कि इस बंदे की इनकम कहाँ होगी, सही बात कि नहीं। कोई अपनी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का डाटा है वो हमारे पास इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वो खर्चा क्या कर रहा है उससे अवेलेबल पता चल जाता है। तो अगर उसका खर्चे से हमें पता चल सकता है वो गुड्स यूज़ कर भी रहा है या नहीं, और कर रहा है तो कौन से कर रहा है। तो सिंपल सी बात, इसका यही क्रक्स था कि हमें पॉवर्टी लाइन कट ऑफ किस पर डिटरमाइन करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, बिकॉज कंजप्शन में दो पॉइंट्स बताओ कौन कौन से, एक्चुअल कौन से गुड्स यूज़ कर रहे हैं और कौन से टाइप कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ गुड दोनों बताता है, लेकिन इनकम सिर्फ हमारी एक ही चीज़ बताता है, उसकी कैपेसिटी टू परचेज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन फिक्स कैसे होती है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स हुई थी, बताओ, कंजप्शन के बेसिस पर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कंसीडर, यानी कि जब हम कंजप्शन का जो कट ऑफ लगाएंगे तो उसमें कौन सा एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे, ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये आपने वहाँ पढ़ा होगा नेशनल इनकम में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला ही था ना हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो गुड्स अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस से कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो अल्टीमेट कंज्यूमर जो है उन्हें यूज़ कर सकता है। जैसे कि आपके जो अभी क्लॉथ्स हैं, आप जो कैरी किए हो क्लॉथ्स, वो क्या है, आपके प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब उसमें कोई प्रोसेस बाकी थोड़ी है, आप ले आए, अब यूज़ कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जब भी हम पॉवर्टी लाइन में कंजप्शन लेंगे तो कौन सा कंसीडर करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा ना, उसमें हम दोनों चीज करेंगे, फूड आइटम एज वेल एज नॉन फूड आइटम। जैसे कि मैंने उस लेडी का आपको बताया, वो कौन सा खाना खा रही है नहीं खा रही है, कौन से कपड़े यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हमने दोनों ही तो चीज़ें ली थी कंजप्शन में, कि वो कंजप्शन पर खर्चा कैसे कर रही है, फूड पर कर रही है कि नहीं, नॉन फूड पर कर रही है। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा उसमें हम दोनों चीज़ें कंसिडर करेंगे, फूड आइटम एज वेल एज नॉन फूड आइटम। इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम, खाली खाने पीने की चीज़ नहीं देखेंगे, बट ऑल्सो नॉन फूड आइटम्स, ठीक है। ये आपने क्लास 11th में आपका जो स्टेट्स में पहला चैप्टर है ना, उसमें पढ़ा होगा आपने कंजप्शन का मीनिंग। वहाँ पे कंजप्शन का मीनिंग यही बताते हैं कि कंजप्शन का मीनिंग सिर्फ खाना पीना नहीं होता, कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपने कपड़े पहने हैं, जो आपने शूज़ पहने हैं, ठीक है, जो आप बैग यूज़ कर रहे हो, जो बुक्स यूज़ कर रहे हो, जो पेन यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ को बोलते हैं कंजप्शन। हर चीज़ किसके अंदर आती है, कंजप्शन के अंदर आती है, सिर्फ खाने पीने यानी फूड आइटम नहीं आते, हर चीज़ फूड आइटम्स प्लस नॉन फूड आइटम दोनों ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने कौन सा ईयर लिया है, 2004 and 5, 2009 to 10, 2011 to 2012। उसमें दिख रहा है हमें नंबर ऑफ पुअर कितने हैं, 40.7 करोड़, उसके बाद 35.46 करोड़ एंड 26.9 करोड़, ठीक है। ये सब है नंबर ऑफ पुअर, यानी कि हमारे इंडिया में 2004 and 5 में इतने पुअर थे, 2009 to 10 में इतने पुअर थे एंड 2011 से 2012 में इतने नंबर ऑफ पुअर्स थे, ठीक है ना।
अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो कॉलम किससे रिलेटेड है, परसेंट ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो नंबर ऑफ पुअर्स है वो कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब हमने किस में निकाला है, परसेंटेज में, तो टोटल पॉपुलेशन में 2004 टू 2005 में कितना था परसेंटेज पॉपुलेशन का, 37.2%, 2009 टू 2010 में था 29.8, एंड जो अभी चल रहा है लेटेस्ट जो रिकॉर्ड्स है हमारे पास जो बुक्स में डाटा अवेलेबल है वो है 2011 से 2012 में 21.9%, यानी अप्रॉक्स आपका 22%। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अप्रॉक्स पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने पुअर्स है, तो यहाँ पर 22% पुअर्स है अभी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है ना। अब इसी को, ये था हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यानी हमारा शेड्यूल, ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया का शेड्यूल। अब इसी ही शेड्यूल को, इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में उतारते हैं, ठीक है। जब हम इसे ग्राफ में उतारते हैं तो बोलो क्या बोलते हैं इसे हम, कर्व। इसे थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिया है ईयर, तो ईयर में हमने 2004 टू 5, 9 टू 10, 11 टू 12, ठीक है, तीनों ईयर ले लिए। और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, परसेंटेज ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में पुअर्स का कितना परसेंटेज है वो। तो पहले कितना है, 37.2%, तो 2004 टू 2005 में कितना है, 37.2%, तो पहला पॉइंट यहाँ बन गया। उसके बाद 2009 और 10 में कितना है, 29.8%, तो 2009 टू 2010 ईयर में कितना परसेंट है, 29.8, तो ये 25 से 30 के बीच में यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ बन गया। थर्ड, 2011 टू 2012 टू 2012 में कितना है, 21.9%, तो इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल 20 से हल्का था ऊपर, ये रहा 21.9%, ये कब है, 2011 से 2012 में। तो जब हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तब हमें पता चला कि जो ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी है वो हमारा कैसा है, नीचे गिर रहा है, तो अच्छी बात है कि हमारा जो पॉवर्टी का ट्रेंड है वो कम हो रहा है, ईयर बाय ईयर हमारी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, लेकिन फिर भी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है 11 टू 12 का वहाँ पर कितनी है, अप्रॉक्स 22% है टोटल पॉपुलेशन का, मीन्स काफ़ी बड़ा परसेंटेज जो है अभी भी हमारा पुअर्स में है। तो उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सो, आज हमने स्टार्ट किया चैप्टर पॉवर्टी। पॉवर्टी में सबसे पहले हमने पॉवर्टी की डेफिनेशन देखी। तो पॉवर्टी क्या होता है, इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइफ की फुलफिल नहीं कर पाते। और बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइफ की कौन सी होती है, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग यानी रोटी कपड़ा मकान, एंड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। उसके बाद हमने देखा हाउ आर दी पुअर आइडेंटिफाइड, तो पुअर कैसे आइडेंटिफाइड होते हैं, इसके लिए दो वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी। वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी में पहला है रिलेटिव पॉवर्टी एंड दी अदर वन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में सिर्फ हम कंपैरेटिवली देखते हैं कि ये क्लास पुअर है, ये क्लास पुअर नहीं है, ये कंट्री पुअर है, ये कंट्री पुअर नहीं है, सिर्फ रिलेटिवली देखते हैं। लेकिन एब्सोल्यूटली में हम एब्सोल्यूटली तरीके से देखते हैं कि ये पुअर है, ये पुअर नहीं है। और किसके ऊपर देखते हैं, किस कंसेप्ट को यूज़ करके, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ होता है जिसके नीचे वाले यानी कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन को ही हम बोलते हैं पुअर। तो पॉवर्टी लाइन का एक कट ऑफ होता है जो डिवाइड कर देता है पीपल को कि ये पुअर है और ये नॉन पुअर। और ये पॉवर्टी लाइन हम किस में देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को हमने अच्छे से देख लिया था, ये वो होता है जो पर्सन स्पेंड करते हैं किस पर, कंजप्शन पर। और ये किस में होता है, पर मंथ की बेसिस पर। रूरल एरियाज़ में कितना होता है, 816, एंड अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़। फिर हमने देखा था एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट यानी कि मिनिमम कैलोरी कितनी लेनी चाहिए, रूरल एरियाज़ में 2435 एंड अर्बन एरियाज़ में 2045।
ये रूरल एरियाज़ में क्यों ज़्यादा है ये भी हमने देख लिया था, क्योंकि वहाँ पर लेबर वर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से। बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना था कि ये जो हमने 816 और 1000 देखा था कंजप्शन, वो था पर मंथ, लेकिन ये जो कैलोरी वाली चीज़ हमने देखी है वो कैसी है, पर डे। उसके बाद हमने ये देखा था कि BPL यानी पॉवर्टी लाइन के जो भी नीचे है उन सब की परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, वो सारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो। और हेड काउंट रेशियो का ऑल्टरनेटिव क्या था, ऑल्टरनेटिव नेम था पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। ठीक है, तो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। और जो पॉपुलेशन हमेशा ही यहीं पर रहती है, वो कभी ऊपर नहीं जाती, जो हमेशा ही बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उनको हम बोलते हैं क्रोनिक पुअर। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा, शुड दी पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम या कंजप्शन। तो हमने देखा वो हमेशा किस पर होनी चाहिए, कंजप्शन पर, क्योंकि जो हमने वो देख लिया था, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखी थी वो एजिड लेडी की, उन एजिड लेडी पर इनकम तो बहुत सी, पैसा तो बहुत सारा था उनके पास, कैपेसिटी टू परचेस तो बहुत था, लेकिन उन्होंने कभी भी कंजप्शन पर खर्चा नहीं किया, इसलिए उनको क्या बोला गया था, पुअर। क्योंकि कंजप्शन से हमें पता चलता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअल में यूज़ कर भी रहे हैं कि नहीं, और अगर कर रहे हैं तो कौन से टाइप्स के कर रहे हैं। इसलिए जो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ है वो किस पर डिटरमाइन होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। नेक्स्ट हमने देखा, हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। तो अभी देख लिया था पॉवर्टी लाइन इंडिया में कैसे फिक्स होती है, कंजप्शन पर, और कंजप्शन कौन सा होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो एक्सपेंडिचर जो कि कैसा होता है, वो फाइनली होता है। ठीक है, अब उसमें कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी नहीं है, वो फाइनल है, अल्टीमेट कंज्यूमर उसे आराम से यूज़ कर सकता है। और कंजप्शन में दोनों ही चीज़ें आएंगी, फूड आइटम्स एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स। उसके बाद हमने देखा ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी लाइन जो कि गिर रहा है, तो अच्छी बात है। और इसमें हमने यही 3 ईयर्स इसलिए लिए है क्योंकि यही 3 ईयर्स जो है, ये जो डेटा है वो न्यू पॉवर्टी लाइन पर है। ठीक है, इसी वजह से हमने ये तीनों लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर इन द मैथ्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड या टू सब्सक्राइब नाउ बिकॉज सब्सक्राइब तो बनता है और आपको सेकंड पार्ट यहाँ पर मिल भी जाएगा। अच्छे से इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज़।